दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव भार्गव आप सभी का ITI स्किल इंडिया के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज जो मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं वो DC मोटर से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, जो कि इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन ट्रेड के जो बच्चे ITI में पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत काम के, क्योंकि इससे रिलेटेड एग्ज़ाम के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, DC मोटर का कार्य क्या है? उसमें पहला है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, दूसरा है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, तीसरा है तापीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, और चौथा है पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। तो यहाँ पर ये DC मोटर के बारे में बात हो रही है, तो उत्तर है यहाँ पे विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर दो है, फ्लेमिंग के बाएँ हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा क्या दर्शाता है? पहला है EMF की दिशा, दूसरा है वोल्टेज की दिशा, तीसरा है चालक की घुमाव दिशा, और चौथा इसमें है कुछ नहीं। तो हमारा जो उत्तर होगा इसमें चालक की घुमाव दिशा, तो यहाँ उत्तर हो जाएगा C। क्वेश्चन नंबर तीन है, वेब बाइंडिंग में समानांतर परिपथ की संख्या होती है 1, 2, 3 या 4, तो उत्तर है यहाँ पे B, 2। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, लैप वाइंडिंग में A का मान होता है M, N, O या P, तो उत्तर है हमारा यहाँ पे P। अगला क्वेश्चन है, DC मोटर कितने प्रकार की होती हैं? एक प्रकार की, दो प्रकार की, तीन प्रकार की या चार प्रकार की, तो उत्तर है हमारा यहाँ पे 3 प्रकार की। अगला क्वेश्चन है, किस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क अधिक होता है? DC सीरीज मोटर, DC शंट मोटर, DC कंपाउंड मोटर या ये सभी, तो उत्तर है यहाँ पे DC सीरीज मोटर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, DC मोटर का उपयोग क्या होता है? कूलर में, ब्लोअर में, ग्राइंडर में, क्रेन में, तो यहाँ पर हमारा उत्तर जो है वो है क्रेन के अंदर। अगला सवाल, DC शंट मोटर की फील्ड पतले तार और कम लपेट होते हैं, मोटे तार और कम लपेट होते हैं, पतले तार और अधिक लपेट होते हैं, और चौथा इसमें होता है मोटे तार और कम लपेट, तो उत्तर है इसमें पतले तार और अधिक लपेट, C। DC मोटर के स्टार्टर कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3 या 4 प्रकार के, तो उत्तर है हमारा यहाँ पे 3 प्रकार के। अगला सवाल है, NVC का पूरा नाम क्या होता है? NVC, नॉर्मल वोल्टेज कॉइल, नो वोल्ट कॉइल, नो लोड कॉइल या नॉर्मल वेक्टर कॉइल, तो उत्तर है हमारा इसमें नो वोल्टेज कॉइल, B। इसके बाद है, LOC का पूरा नाम क्या होता है? सॉरी, OLC का पूरा नाम क्या होता है? ओवरलोड करंट, ऑफ लोड कॉइल, ओवरलोड कॉइल और ओवरलीड कॉइल और ओवरलोड कॉइल, तो इसमें उत्तर है ओवरलोड कॉइल, D। अगला क्वेश्चन है, दो बिंदु स्टार्टर के द्वारा नियंत्रित की जा सकती है, सीरीज मोटर, शंट मोटर, कंपाउंड मोटर या ये सभी, तो उत्तर है इसमें सीरीज मोटर, A। 13वां क्वेश्चन है, मोटर की शुरुआत में विरोधी विद्युत वाहक बल का मान क्या होता है? 1, अनंत, 0 या 0.67, उत्तर है हमारा यहाँ पे 0। अगला क्वेश्चन है, बैक EMF का मान सदा सप्लाई EMF से खाली स्थान होता है अधिक होता है, कम होता है, बराबर होता है या 1.2 गुणा होता है, उत्तर है हमारा यहाँ पे कम होता है। DC मीटर को कितनी ऊर्जा प्रदान की जाती है? DC मोटर को कौन सी ऊर्जा प्रदान की जाती है? तापीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा या जल ऊर्जा, तो उत्तर है यहाँ पर हमारा विद्युत ऊर्जा।
डीसी मोटर द्वारा कौन सी ऊर्जा प्राप्त की जाती है? तापीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा या जलीय ऊर्जा? तो उत्तर है हमारा यांत्रिक ऊर्जा। अगला सवाल है, वह डीसी मोटर जिसमें शंट और सीरीज दोनों प्रकार की वाइंडिंग होती है, अल्ट्रा मोटर, तुल्यकालिक मोटर, कंपाउंड मोटर या इनमें से कोई नहीं? उत्तर हमारा कंपाउंड मोटर। कंपाउंड मोटर कितने प्रकार की होती हैं? एक प्रकार, दो प्रकार, तीन प्रकार और चार प्रकार। उत्तर हो गया हमारा दो प्रकार की कंपाउंड मोटर हमारी होती हैं। अगला सवाल है, डीसी मोटर की रेटिंग किससे मापी जाती है? केवीए से, वीए से, एचपी से या जूल से? उत्तर है यहाँ पे हमारा एचपी से। डीसी मोटर की बाहरी आवरण की आवश्यकता होती है, नहीं होती है, जरूरत होती है, इनमें से कोई नहीं? उत्तर है हमारा इसमें जरूर होती है। डीसी मशीन के बाहरी आवरण को कहते हैं कवच, खोल, योक या फील्ड? उत्तर हमारा योक सी। भंवर धारा हानि को कम करने का उपाय किस तरह से किया जाता है? लैमिनेटेड आर्मेचर कोर द्वारा, लैमिनेट योक द्वारा, लैमिनेट शाफ्ट द्वारा या लैमिनेट पोल द्वारा? उत्तर है हमारा लैमिनेटेड आर्मेचर कोर द्वारा। योक किस पदार्थ का बना होता है? तांबे का, एल्युमिनियम का, पीतल का या ढलवा लोहे का? तो इसमें होता है ढलवा लोहा। विद्युत रेल में उपयोग की जाती हैं डीसी सीरीज मोटर, डीसी शंट मोटर, डीसी कंपाउंड मोटर या इनमें से कोई नहीं? तो उत्तर है हमारा डीसी सीरीज मोटर। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा क्या दर्शाता है? वोल्टेज, चालक की घुमाव दिशा, ईएमएफ या फ्लक्स? तो यहाँ पर आएगा चालक की घुमाव दिशा। तो ये वीडियो हमारा यहीं समाप्त हो रहा है। इसके अंदर आपने 25 क्वेश्चन डीसी मोटर से रिलेटेड देखे। इसी तरह के मैं बहुत सारे वीडियो लेके आऊँगा जो हर ट्रेड से संबंधित होंगे, जो कि एनसीबीटी एग्ज़ाम में छोटे छोटे क्वेश्चन के रूप में वो आपके एनसीबीटी और एससीबीटी के एग्ज़ाम में आ सकते हैं। इसलिए इन वीडियो को अगर आप देखोगे तो आपको ट्रेड संबंधित एक एक चैप्टर के बारे में जानकारी हासिल होती जाएगी। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जाके प्लस पे, ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपको आने वाले सभी वीडियो समय पे मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।